तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दो ड्राइवर यूनिट जो कि एक तो एलटी वाला है और एक तो नॉन एलटी है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक तो ट्रांसफार्मर वाला था और एक तो प्लेन यूनिट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों में से बेस्ट ड्राइवर यूनिट कौन सा है और किसका रेंज सबसे ज़्यादा होने वाला है और कौन सा यूनिट आपको लेना चाहिए। तो सारा कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों दिवाली पार हो चुका है और ये दिवाली के बाद ये हमारा पहला वीडियो है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो एलटी वाला ड्राइवर यूनिट है और एक तो प्लेन वाला ड्राइवर यूनिट है। ये ऊजा कंपनी का है और ये बियानो कंपनी का है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों सबसे जो मेन बात है इन दोनों यूनिट का, ये ड्राइवर यूनिट काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन ये ड्राइवर यूनिट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। जितना पुराना होते जाता है ये ड्राइवर यूनिट उतना ख़राब होते जाता है। बल्कि और इसका एक तो ये है, इसका एक तो खासियत ये है, इसको आप लंबे समय तक 10 साल 15 साल भी आप इसको चला सकते हैं, लेकिन इसका रेंज कम नहीं होगा। लेकिन इसका 3 साल 4 साल चलाने के बाद धीरे धीरे इसका आवाज़ घट जाता है, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बजने लगता है। सेकंड में हम बात करने वाले हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों के परफॉर्मेंस के मामले में एलटी वाला ड्राइवर यूनिट बेस्ट होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक आप इसको चला सकते हैं और इसका कॉइल कटने का चांस बहुत ज़्यादा कम रहता है और इसका कॉइल आप बहुत बार बार जल्दी कट जाता है। तो इसमें कॉइल का प्रोटेक्शन मिलता है और इसमें कॉइल का किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से इसका कॉइल जल्दी कट जाता है और इसका कॉइल नहीं कटता। इसके अंदर में ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि आवाज़ को कंट्रोल करता है। इसमें रेंज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है इसके मुकाबले में, लेकिन कॉइल इसमें नहीं कटता है, लेकिन इसमें कॉइल कट जाता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है कि इस ड्राइवर यूनिट में आपको अगर मतलब अच्छी तरह से अगर आप खुद से घर से बनाते हैं तो इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है और इसमें कॉइल शॉर्ट होने मतलब कॉइल शॉर्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें आपका कॉइल शॉर्ट होने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि इसमें आप घर पे भी अगर आप इसको बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्लिप वाला सिस्टम दिया गया है, जिस वजह से आप इसको आराम से पिन की मदद से पिन लगा देने से ये ऑटोमेटिक से रिपेयर हो जाता है। डायफ्राम आपको सिर्फ नया चेंज करना पड़ता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है यूनिट बनाने का। तो दोस्तों चौथा पॉइंट में हम बात करने वाले हैं इस दोनों में से किसका रेंज सबसे ज़्यादा है। तो दोनों में से दोस्तों ये एक 50 वाट का है और ये भी एक 60 वाट का ड्राइवर यूनिट है। तो दोस्तों आप बात करते हैं ड्राइवर यूनिट के रेंज के ऊपर। तो दोस्तों रेंज के मामले में हमें जो बिना एलटी वाले ड्राइवर यूनिट होते हैं कुछ इस प्रकार से प्लेन ड्राइवर यूनिट, इसका रेंज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये 100 वाट का होता है, 60 वाट का होता है, 40 वाट का होता है, 50 वाट का भी होता है, तो इस प्रकार से होता है। लेकिन इसका उतना वेरियंस नहीं है, इसमें 50 वाट 40 वाट या फिर 60 वाट तक का ही होता है ज़्यादातर। लेकिन इसमें आपको 100 वाट का भी देखने को मिलता है और 100 वाट का आप रेंज समझ सकते हैं कि इसको बजाने से लगभग 7-8 किलोमीटर तो इसका फायर जाता है और रेंज देखने को मिलता है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा रेंज नहीं है। अगर रेंज के मामले में आप ले सकते हैं, लेना चाहते हैं रेंज के लिए, तो आप नॉन एलटी वाला ड्राइवर यूनिट को चला सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रेंज है। तो दोस्तों पांच नंबर पॉइंट में हम इसको मेंटेनेंस के बारे में बताने वाले हैं। मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस इसका ही लगता है, मतलब इसमें मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना पड़ता है, बट इसमें आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन खर्चे के मामले में अगर बात करें, खर्चे के मामले में इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें कम खर्चा होता है, क्योंकि इसमें एक बार अगर आपका कॉइल कट जाता है तो 120 से 150 रुपये तक इसका कॉइल आता है नया में, और इसका 25 से 30 रुपये के अंदर इसका कॉइल आ जाता है। और देख सकते हैं ये 100 वाट का है, ये 60 वाट का है और दोनों में सेमी कॉइल लगता है और इसमें भी मतलब इसमें अलग से कॉइल लगता है, अलग टाइप का कॉइल लगता है। इसका कॉइल का थोड़ा महंगा आता है, जिस वजह से इसमें थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो अगर इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेंटेनेंस के मामले में यह सबसे ज़्यादा खर्चा मांगता है, लेकिन इसमें कम खर्चे में आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग रेंज के लिए ड्राइवर यूनिट खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें 100 वाट का वेरिएशन चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 100 वाट वाला वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा और इसमें काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी दूर तक इसमें आवाज़ फेंकने का क्षमता रखता है ये वाला, और इसमें उतना ज़्यादा आवाज़ फेंकने का क्षमता नहीं रखता। लेकिन इसमें एक तो और खासियत ये है कि
इसको आप जितना भी डिस्टेंस में लगाना चाहते हैं, आधा किलोमीटर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसका आप ज़्यादा मतलब दूर पे आप इसको नहीं लगा सकते, लेकिन इसको आप जितने भी दूर पे चाहे लगा सकते हैं। दोनों ड्राइवर यूनिट्स में से आपको कौन सा वाला ड्राइवर यूनिट अच्छा लगा आप नीचे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके लिए दोनों में से कौन सा ड्राइवर यूनिट सबसे बेस्ट रहेगा वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से डीजे से रिलेटेड हर एक प्रकार के नॉलेज वाले वीडियो लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।